अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे जो कि 10th क्लास मैथ सिंध बोर्ड की है और इसका चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम सेट। इससे पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन और डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है वो वीडियो बनाई है और ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद ये एक्सरसाइज देखें, तो उसके बाद ये आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि इफ़ एक सेट दिया गया है जिसका नाम है ए, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और उसके बाद बी सेट दिया गया है जिसमें है कि जिसमें एलिमेंट्स है वाई जी, और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड करें। नंबर 1 पार्ट दिया गया है कि ए क्रॉस बी, और नंबर 2 बी क्रॉस ए, नंबर 3 ए क्रॉस ए, और नंबर 4 बी क्रॉस बी। तो व्यूज हम ए क्रॉस बी पहले करेंगे, तो आइए करते हैं ए क्रॉस बी। अब नंबर 1 ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी में क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी और काली ब्रैकेट लगा देंगे, और अब हमें क्या करने हैं, एक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे यहाँ पे रखेंगे और बी के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, ठीक है, और सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और सेट बी के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बी लेंगे हम बी एलिमेंट और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, और उसके बाद बी मल्टीप्लाई करेंगे हम जी से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर सी लेंगे, सी मल्टीप्लाई करेंगे हम वाई से और सी मल्टीप्लाई करेंगे हम जी से, उसके बाद डी है तो डी मल्टीप्लाई करेंगे हम वाई से और डी मल्टीप्लाई करेंगे हम जी से, इस तरह रखेंगे। तो ये जो है ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी में क्या करना होता है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई में रखने पड़ते हैं सेकंड सेट के एलिमेंट्स से, ये मल्टीप्लाई में हमने रखा तो ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जी। तो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें करना है कि बी क्रॉस ए सेकंड पार्ट है इसका, तो आइए करते हैं बी क्रॉस ए मैं दोबारा लिखता हूँ। अब बी के एलिमेंट्स फर्स्ट रखेंगे हम, बी का फर्स्ट एलिमेंट्स ए सेट के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वाई, और सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद बी का फर्स्ट एलिमेंट और सेट ए के किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, सेकंड से, सेकंड क्या है बी, और वाई हम मल्टीप्लाई करेंगे सी से क्योंकि थर्ड एलिमेंट है सेट ए का, और वाई मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, जी से, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी है, सॉरी जी से नहीं, यहाँ पे डी से क्योंकि ए का एलिमेंट डी है, ठीक है, और उसके बाद जी की बारी है, जी एलिमेंट है यानी सेकंड एलिमेंट किसका, सेकंड एलिमेंट बी का, ये जी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट जो कि है ए का ए, उसके बाद जी मल्टीप्लाई बी, उसके बाद जी मल्टीप्लाई सी, और उसके बाद जी मल्टीप्लाई डी। तो ये व्यूअर्स आंसर आ गया इसका, ये इसका आंसर है, बी क्रॉस ए हमने कर लिया, बी क्रॉस ए इसका इस तरह होगा जी। तो हम इसका पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 3 में के ए क्रॉस ए करें, ठीक है, तो ए क्रॉस ए कैसे होगा, यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ए का क्या एलिमेंट है फर्स्ट ए, और
फिर एक आए ए, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो है ए बी सी डी, इसी तरह ए मल्टीप्लाई करेंगे बी से, फिर ए मल्टीप्लाई करेंगे सी से, फिर ए मल्टीप्लाई करेंगे डी से, उसके बाद बी मल्टीप्लाई करेंगे हम ए से, और बी मल्टीप्लाई करेंगे सी से, सॉरी बी से, बी मल्टीप्लाई करेंगे हम सी से, और बी मल्टीप्लाई करेंगे हम डी से, उसके बाद सी की बारी, सी मल्टीप्लाई करेंगे ए से, सी मल्टीप्लाई करेंगे बी से, सी मल्टीप्लाई करेंगे डी से, और उसके बाद डी की बारी। अब सी मल्टीप्लाई ए, सी मल्टीप्लाई बी, सॉरी सी मल्टीप्लाई सी, और सी मल्टीप्लाई डी करेंगे। उसके बाद डी की बारी, डी मल्टीप्लाई करेंगे ए से, और डी मल्टीप्लाई करेंगे बी से, डी मल्टीप्लाई करेंगे सी से, और डी मल्टीप्लाई करेंगे डी से। तो ये ए क्रॉस बी आ गया, सॉरी ए क्रॉस ए आ गया। उसके बाद इसका आखिरी पार्ट देख जी, तो इसका फोर पार्ट है लास्ट पार्ट। इसमें बी सेट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बी सेट क्या है, बी सेट के एलिमेंट्स हैं वाई और जी। अब बी क्रॉस बी करना है, बी को बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसके ऑर्डर पेयर्स। तो फर्स्ट y मल्टीप्लाई y और y मल्टीप्लाई z, ठीक है, और उसके बाद z मल्टीप्लाई y और z मल्टीप्लाई z। तो ये a क्रॉस b क्रॉस b हो गया, यही आंसर है इसका। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर एक्सरसाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।